माइलस्टोन है जिस दिन फंसेगा ना फंसाऊंगा मैं। मिल इंडस्ट्री है खासकर मिल फेडरेशन इसके इतिहास में एक बहुत बड़ा मील पत्थर की हैसियत करता है कि आप अमूल फ्रेश पाउच पास्चराइज हाइजीनिक क्लीन मिल्क है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं यहाँ से। आप सब जानते हैं कि इस किस्म की जब भी अमूल का लॉन्च होता है तो अक्सर देखा गया है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में अमूल किसी भी खेते में या रीजन में अपना पाँव नहीं रखता जब तक वो श्योर नहीं हो कि जो हमारे SOPs हैं जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं या प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मयार का या लेवल का नहीं है। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि अमूल ने और मिल्क फेडरेशन की टीम्स ने एक जॉइंट एंडेवर किया है इसको इस प्लांट को और हमारे जितना भी प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको उस लेवल तक लाने के लिए अपने साथियों के साथ और पूरे फ्लड में इस शख्स ने जो काम किया उसके लिए भी बधाई देता हूँ। तो मैं दिल से बोलता हूँ कि ये जो एक अगर एक फौज में जो आदमी रहता है वो दूर दराज आके किसी ऐसे में काम करता है मान लीजिए उसी तरह की परिस्थिति में इसने काम किया मैं उसको बधाई देता हूँ। मैं आपके साथ जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी रियासत में जो डेयरी का क्षेत्र है मुझे खुशी होती है कि आपने इतने सीनियर होने से जब आप रिटायर हुए आपने इस मुद्दे को संभाला। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे पे आप इतनी सीनियर पोजिशन पर जब हुए तो आपके आने से नई जान आई इस पूरे श्रृंखला में। हालांकि आप ये जो कार्यभार देख रहे हैं जब वो रियासत को बिलखसूस देख रहे हैं तो आपके लिए शायद आपकी कार के मुताबिक कितना बड़ा ना हो लेकिन मैं ये जरूर चीज़ बोलूँगा कि जैसे हम हिंदुस्तान का दाद बोलते हैं हमारी रियासत को यहाँ पे हमारी जो खासकर जो दूध से जुड़े हुए सितारू बनते हैं हमारे गुजर बकरवाल भाई ज़्यादा हैं बाकी भी चौधरी हमारे भाई हैं जो ताल्लुक रखते हैं जम्मू में जम्मू डिवीजन में। मैं सर ये जरूर बोलूँगा कि आपको मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है तो मैं आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे सिर्फ शेयर कर सकता हूँ मेरे आपको पूरी नॉलेज है कि जितने हमारे भारत हैं कश्मीर में या हमारे जम्मू में जो है तो मुझे जो ऑर्गेनिक मिल्क की बात करते हैं मुझे लगता नहीं कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सिर्फ जरूरत है इंटीग्रेशन की फीड मैनेजमेंट उसकी वहाँ से आके जहाँ जहाँ हमारे प्लांट्स हैं चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में जो है हमारे पुलवामा है का एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ से आपकी सप्लाई जाती है।